गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, या इसी को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि गैमेटोजेनेसिस क्या है या युग्मक जनन क्या है। तो बेटा, इसको देखने के लिए हमें सर्वप्रथम ये जानना होगा कि जो मनुष्य है उसमें क्या होता है, मेल अलग होता है, ठीक है, और फीमेल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो मेल की बॉडी में जो गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, मेल की बॉडी में जो गैमेट बनते हैं उसे मेल गैमेट, और जो फीमेल की बॉडी में जो गैमेट बनते हैं, ठीक है, जो गैमेट बनते हैं उसे फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि मेल में जो है कौन सा गैमेट बनता है, स्पर्म बनता है, और मादा में क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक है, अब स्पर्म गैमेट और ओवम गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। या हम इसकी जो ये वर्ड लिखा है इसी से जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा गैमेट्स जो है मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं, और जेनेसिस जो है, ठीक है, इसका मतलब होता है निर्माण। अब हम लोग समझ गए होंगे कि मेल गैमेट्स तथा फीमेल गैमेट्स के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने ये जान लिया, ठीक है, उसके बाद अब हम लोग ये जान गए कि जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें शुक्राणु जनन भी होगा और अंडाणु जनन भी होगा। तो अब हम लोग शुक्राणु जनन के बारे में देखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में देखते हैं, या लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट्स के बारे में देखते हैं। तो बच्चों, जो शुक्राणु जनन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर आधारित क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। तो हमें मालूम है कि जो शुक्राणु जनन है वो प्रायः कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। ठीक है, इसकी एक उम्र होती है, तो नियर अबाउट किशोरा अवस्था से ही क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होने लगता है। उसमें कुछ हार्मोन्स भी क्या होते हैं, कुछ लैंगिक हार्मोन्स का भी क्या होता है, योगदान होता है। तो बच्चों फिर अब क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग तीन चरणों में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। तो तीन चरण जो है, पहली है आपकी गुणन प्रावस्था, दूसरी है द्वितीय प्रावस्था, और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं, तो जैसा कि मेल में क्या पाया जाता है, टेस्टिस, और टेस्टिस में ही क्या पाई जाती है, जर्म सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये मदर सेल्स है। तो स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, क्या होगा, मिटोसिस होगा। क्या होगा बेटा, मिटोसिस होगा। तो एक मदर सेल से क्या होगी, दो सेल्स विभाजित होगी, एक मदर सेल से क्या बनेगी, दो सेल्स बनेंगी। ठीक है, फर्स्ट मिटोसिस, मिटोसिस में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सेकेंड मिटोसिस होगा, उसमें क्या होगा, ये जो दो बनी है इससे क्या होगा, इनसे दो बनेंगी और इनसे दो बनेंगी। ठीक है, वो भी डिप्लॉयड, कैसी डिप्लॉयड है, ठीक है, हैप्लॉयड नहीं है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड स्पर्म, डिप्लॉयड क्या बनेगी, डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट बनेगी। ठीक है, ओके, इतना हो गया किसमें, गुणन प्रावस्था में इतनी चीज होगी। ठीक है, ये इतनी चीज किसमें हुई, गुणन प्रावस्था में ये इतनी चीज हो गई। फिर क्या होगा, अब आया ग्रोथ फेज। ठीक है, जो ये क्या बनी थी, जो ये डिप्लॉयड सेल्स बनी थी, इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड सेल्स में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स में क्या, या स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में क्या होगा, अब वृद्धि होगी ना। तो शुक्राणुजन कोशिकाओं में
पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है, वृद्धि होगा। अब इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, इन कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, इसे सब में क्या होगा, सब में इसी तरीके का प्रोसेस होगा। अब हम एक ही सेल्स को ले लेते हैं, जैसे हमने इसको ले लिया, तो इसमें अब क्या होगा, जो स्पर्मेटोबोरियम था या जो अब क्या बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है, उसमें से हम एक सेल को ले लेंगे। उस सेल में क्या करेंगे, अभी भी ये क्या है, डिप्लॉयड है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन करेंगे मदर सेल्स में। तो जब हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो ये क्या होगा, टू पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। टू पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर से इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जब फिर मियोसिस होगा तो ये चार क्या हो जाएंगे, चार हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स में क्या होंगे, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब चेंज होने के बाद क्या होगा, यही जो कोशिकाएं है ना, यही जो है ना, ये क्या होंगी, ये फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। यही जो फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या होंगी, ये फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्पर्म का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये गुणन व्यवस्था हो गई, रोग व्यवस्था हो गई, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, परिपक्वन व्यवस्था हो गई, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। एक बार पुनः फिर से देख लेते हैं, तो बच्चों हमने क्या बताया था, गैमेटोजेनेसिस, हमने बताया कि फीमेल गैमेट्स तथा मेल गैमेट्स के बनने की, निर्माण होने की व्यवस्था को भी क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं या युग्मक जनन कहते हैं। फिर इसमें हम आए शुक्राणु जनन में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है, टेस्टिस में क्या होती है, जर्म सेल्स होंगी, और जर्म सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोबोरियम कहते हैं। फिर क्या होगा, स्पर्मेटोबोरियम जो मदर सेल्स है उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। तो मियोसिस होने के बाद जो मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो वो टू पार्ट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और फिर ये अलग अलग क्या है, ये और ये है, तो फिर इसमें क्या होगा, फिर इसमें मिटोसिस होगा। तो क्या होगी, ये सेल्स क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर ये भी दो सेल्स दो भागों में बढ़ जाएगी, फिर ये क्या है, डिप्लॉयड फेज है, ठीक है, डिप्लॉयड है ये ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब क्या होगी, ये जो चारों ये क्या है, ये बनी है डिप्लॉयड कोशिकाएं बनी है, इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के बाद, ग्रोथ हो गया, ठीक है, उसके बाद हम किसी भी एक सेल को उठा लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग मियोसिस करेंगे। मियोसिस करने के बाद क्या होगी, एक मदर सेल्स दो भागों में टूट जाएगी, फिर क्या होगा, फिर इन दोनों में क्या करेंगे, फिर मियोसिस करेंगे, तो ये दो भागों में बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर यही फोर जो स्पर्मेटिड्स, यही जो फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स थे, ये क्या होंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ये किसमें हो जाएंगे, फोर हैप्लॉयड स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। तो ये हम लोग समझ लिए क्या है, शुक्राणु जनन के बारे में समझ लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू क्लास।